पा रहा है। माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के आमंत्रण पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। उनके सहित सभी जिले के जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का, उनका स्वयं का मुझे बहुत स्नेह मिला, जनता का बहुत स्नेह मिला, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। माननीय खन्ना जी के इनिशिएटिव से, जैसा कि मुझे समझ में आया है, आज 27वां एक कार्यक्रम है जिसमें शाहजहाँपुर के रत्नों को सम्मानित किया जाता है। इस बार एक मईका खन्ना जी को सम्मानित किया गया है, जिनको, जो बहुत ही अभी युवा खिलाड़ी हैं, अभी 2007 की जन्मी हुई हैं, 16 साल 17 साल भी अभी युवा नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और इस प्रकार के रत्नों को सम्मानित करने की जो परंपरा माननीय खन्ना जी ने डाली है, उसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनकी कमेटी के लोगों को भी अभिनंदन करता हूँ और यहाँ की जनता को भी अभिनंदन करता हूँ कि माननीय खन्ना जी के ऐसे दूरदृष्टि वाले कार्यों को पहचानते हुए माननीय खन्ना जी को 8वीं-9वीं बार जो है विधायक चुना गया है यहाँ से। मुझे आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। और साथ ही आज अटल जी का की जन्म जयंती का पूर्व संध्या भी है, तो उस अवसर पर भी इस अटल जी के नाम पर बने हुए सभागार में उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ, वो भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं आज फिर से माननीय अटल जी को अपनी पूरी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, इसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। और माननीय खन्ना जी सहित सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद।